नमस्कार, मैं पूनम आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बूढ़ी काकी। यह प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आइए कहानी सुनते हैं बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फार फार कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कलांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुल डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका वर्णन करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुष बन बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता था तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मार कर रोती। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती थी, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठ कर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी ललुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसस्वादन कर रहा था। चरपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखिया लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी
और उपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंधि चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधि उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़िया न मिलेगी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा, यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशगुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधि है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले, यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधि रह रह कर मन को आप से आप बाहर किए देती थी, मुंह में पानी भर भर आता था, पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई, दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं, कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी, एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं, पूड़िया छन छन कर तैरती होगी, कड़ाह से गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी, फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकरू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वालों के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी, कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुझलाती थी, कूढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पर उसने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झेले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई, क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई है, मन में क्या कहेगी, पुरुषे में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटकार कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती नहीं होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती, गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाय फिरती है, डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है, लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था
कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जन समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घ आहार पर झुझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और वे सिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से वहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रह गया, सबके सामने पानी गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गीत गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न आए। सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि एक मिनट में पुड़िया और मसे दाल तरकारियाँ सामने आएगी। उनकी स्वाद इंद्रियाँ को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुँह जुठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकरू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता, कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोनों मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंककर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहां से आ गई, देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, पुड़ियों की थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोरे कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लूह के एक ही झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुझला रही थी कि
यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते? क्या मेहमान सब के सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धरे देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल नहीं खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बजे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों का आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लड़की की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गद्दा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धरे का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था, किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट भी न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधी न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और? इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनू न बूझू। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम को इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पुड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीझा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी तब अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। गलानी से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचने गिरी थी, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मसोर रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष से तू जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों का मद स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वह कुछ देर तक उसी इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था,
कचौरिया कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चरपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पटलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पट्टल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट काम कर रही है, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का पाप भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडली की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़े। वह सोचने लगी, हाय इतनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भी पेट भर भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदीक्षाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। धन्यवाद।